हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा आज मैं आपको क्लास सिक्स की ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर वन पढ़ाने जा रही हूँ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम लेकिन उससे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं आपने इससे पहले ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि पहले जो है ज्योग्राफी था नहीं या आजकल किसी किसी स्कूल में फिफ्थ में भी ज्योग्राफी जो है होता है लेकिन आप एन का बुक पढ़ रहे हैं तो एन में सिक्स क्लास से ही ज्योग्राफी स्टार्ट होता है तो आप ज्योग्राफी के बारे में पहले जान लीजिए कि ज्योग्राफी कहते किसे हैं ज्योग्राफी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जियो जी ई ओ जियो जियो मीन्स जी जी जियो को हम लोग जी बोलते हैं जी ई जी, जी ग्रीक वर्ड में और ग्राफी को ग्राफिया बोलते हैं ग्रीक वर्ड में तो ग्रीक में जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग आसान भाषा में जोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग अबाउट अर्थ अर्थ के बारे में लिखना अर्थ के बारे में जानना अर्थ के बारे में कुछ भी होता है तो उसे हम लोग ज्योग्रफ़ी कहते हैं तो अब हम लोग अपना चैप्टर द वर्ल्ड द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट वन Would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the numbers increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. कितना आश्चर्यजनक लगता है आसमान को सनसेट के बाद देखना जब आप देखेंगे कि जब सूर्यास्त तो हो जाता है तो आप उसके बाद जब आसमान देखेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा पहले हम एक या दो चमकने वाले डॉट्स नोटिस करेंगे आसमान में फिर हम देखेंगे कि जो नंबर्स है वो इंक्रीज होगा आप उसे और ज़्यादा काउंट नहीं कर पाएंगे पूरा आसमान जो होगा वो पूरा का पूरा भरा रहेगा इन छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश डायमंड से बिखरा पड़ा हो वो सब टिमटिमाते हैं लेकिन अगर आप उसे केयरफुल्ली देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ दूसरे जैसा नोट ट्विंकल नहीं करेंगे वे बिना टिमटिमाए मून की तरह चमकते हैं Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट इन चमकदार ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने मून को भी बहुत दिन देखा होगा ये हमेशा अलग अलग समय पर अलग अलग सेप्स में और अलग अलग जगह पर दिखते हैं आप फुल मून को महीने में एक बार ही देख सकते हैं वह फुल मून की रात या पूर्णिमा है चौदह दिन के बाद आप उसे हमेशा नहीं देख पाएंगे वह न्यू मून की रात या अमावस्या है इस दिन आप आकाश को सबसे अच्छे तरह देख सकते हैं यह हमें आकाश को साफ देखने के लिए उपलब्ध कराते हैं डू यू वंडर वाई कैनोट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीन ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई क्या आपको आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय मूनस और छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं वो इसलिए क्योंकि जो सन को चमकदार लाइट इन रात के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखने की इजाज़त नहीं देता है जो हम लोग जो सुबह के समय में जो सूर्य का जो रोशनी होता है वो उस समय जो ये सब जो मून होते हैं या कोई जो रात में जो ऑब्जेक्ट्स सब जो चमकते हैं वो छिप जाते हैं वो दिखते नहीं है सूर्य की रोशनी के सामने द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट साइनिंग इन द स्काई शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सिलेस्टियल बॉडीज़ सूरज चांद और वो सब जो रात के आकाश में चमकता है उन्हें हम सिलेस्टियल बॉडीज कहते हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट दे आर मेड अप ऑफ गैसेस दे हैव देअर ऑन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स द सन इज ए स्टार कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े और गर्म होते हैं वे गैसेस से बने होते हैं उनका उनके पास उनका खुद का हीट और लाइट होता है जो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैलाते हैं इन सिलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहेंगे सन एक स्टार है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस देखिए अनगिनत टिमटिमाते स्टार्स रात में सन के बराबर होते हैं लेकिन हम उसका हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते और दिखने में भी छोटे लगते हैं क्योंकि वे यहाँ से बहुत बहुत दूर होते हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वैन सीन फ्रॉम एयर डिस्टेंस हाउ स्मॉल एंड एरोप्ल लुक्स वेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट आप ये नोटिस तो ज़रूर किए होंगे अगर हम किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो वह छोटा लगता है कितना छोटा लगेगा अगर आप एक एरोप्लन को नीचे से देखें जब वह बहुत हाइट पर होगा While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called uh, constellations. Ursa measures or Big Bear is one such constellation. Uh, one of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Sapt ऋषि सेग्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स फिगर वन पॉइंट वन दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन आज इल्डर इन योर फैमिली और नाइवरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई जब आप रात के आकाश को देखोगे तो नोटिस तो किया होगा कि बहुत सारे तरह तरह के पैटर्न्स बनते हैं तरह तरह के स्टार के ग्रुप से इन्हें हम कॉन्स्लेशन कहेंगे कॉन्स्टलेशन का डिफिनेशन बहुत बार एग्ज़ाम्स में आता है तो कॉन्सलेशन का डिफिनेशन होता है ए पैटर्न मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्लेशन उर्सा मेजर या बिग बियर एक कॉन्स्लेशन है सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला कौन्सलेशन सप्तऋषि है यह सात तारों का एक समूह है जो उर्सा मेजर्स कौंसलेशन का एक पार्ट है आप सप्तऋषि को फिगर वन पॉइंट वन में देख सकते हैं अपने फैमिली में अपने से बड़े या अपने पड़ोसी से कहकर और ज़्यादा स्टार्स, प्लैनेट्स और कौंसलेशन को आसमान में आसमान में दिखाएं अब आप देखिए कि आप ये फिगर देख रहे हैं इसमें किस तरह से देखिए ये जो फिगर है इसमें ये लाइन खींचा गया है आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से इसे दिखाया गया है और ये जो है आप देख रहे हैं ये जो सेवन स्टार्स हैं इसे हाँ सप्तऋषि कहते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star. With the help of the Saptarishi, look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended it further, it will point to the pole star. पुराने समय में इंसान तारों की मदद से रात में रास्ता पता करता था नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यह पोल स्टार भी कहलाता है यह हमेशा आकाश में सेम पोजीशन पर रहता है हम पोल स्टार के पोजीशन को सप्तऋषि की मदद से खोज सकते हैं आप फिगर 1.1 में आप यह नोटिस करेंगे कि एक अमेजनरी लाइन ड्रॉ होगा जो पॉइंटर स्टार को जोड़कर आगे चलेगा वह पोल स्टार को पॉइंट करेगा तो आप देख सकते हैं इस 1.1 में आप जो ये फिगर दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ये देखिए ये जो है लड़की देख रही है ये आई मेजनरी लाइन है और ये जो है ये सप्तऋषि ये दो जो यहाँ पे स्टार है इसे हम पॉइंट पॉइंटर स्टार कहेंगे और ये आपका यहाँ पे जो है ये नॉर्थ स्टार ये जो है आपका तो देखिए बच्चों जब आप रात को जो ये नॉर्थ स्टार है आप जब रात को जब आप देखेंगे तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो आपको सप्तऋषि भी दिख जाएगा और सप्तऋषि से जो सटा हुआ जो ये पॉइंटर स्टार्स हैं तो आप पॉइंटर स्टार के बिल्कुल सीधाई में अगर आप देखेंगे तो आपको पोल स्टार भी दिख जाएगा कल रात मैंने भी पोल स्टार देखा था तो आप इधर देख सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word plantai, plantai which means uh, wanderers. The earth on which we live is a planet. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरस्ट स्टार इफ यू लुक एट द दर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस सी द मून इट विल एपियर टू बी साइनिंग जस्ट एज द मून अब आप देखिए कुछ सिलेस्टियल बॉडीज के पास उनके अपने हीट और लाइट नहीं होते वह स्टार्स से अपना लाइट खींचते हैं उन बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहेंगे वर्ड प्लैनेट जो है वो ग्रीक के एक वर्ड, प्लैनेट प्लान एक जो ग्रीक के एक वर्ड प्लानई से आया है जिसका मतलब वर्ड वंडर होता है जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है इसे अपनी साड़ी हीट और लाइट सन से मिलती है जो इसका सबसे नज़दीक वाला स्टार है अगर हम अर्थ को बहुत दूरी से देखेंगे मून मून बोला तो वह मून की तरह चमकेगा द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट लाइक आवर अर्थ देर आर सेवन अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन सम ऑफ देम हैव है मून्स टू वो जो मून जो मून को हम आकाश में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह यह हमारे अर्थ का पार्टनर है और इसके साथ घूमता है हमारे अर्थ की तरह सात दूसरे प्लैनेट्स हैं जिसे आप जिसे अपना हीट और लाइट सन से मिलता है उनमें से कुछ के पास तो अपना मून भी है तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में द सन एट प्लानिट सेटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नाउन एज एस्ट्रॉइड एंड मिट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी Often call it इट ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड सूरज जो होता है आठ ग्रह उपग्रह और दूसरे सिलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉयड और मिट्रॉयड सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण करती है हम उसे सोलर फैमिली भी कह सकते हैं सन उसका हेड है अब हम पढ़ेंगे द सन के बारे में देखिए The sun is in the center of the solar system. It is hug and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that trim us. हिट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बींग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस द सन इज अबाउट वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ अब आप देखिए कि सूरज सूरज यानी सन सोलर सिस्टम का सेंटर है यह बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना है यह पुलिंग फोर्स उपलब्ध कराता है जो सोलर सिस्टम को बांधे रखता है सूरज सो सूरज सोलर सूर सिस्टम के लिए सन अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का लेकिन वह इतना तेज़ गर्मी हमें महसूस नहीं होती जबकि सन हमारा सबसे नज़दीक वाला स्टार है क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है सन से हमारी अर्थ की दूरी लगभग 150 मिलियन या यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर हो सकती है अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में अब देर आर एट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी पीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में आठ ग्रह हैं सन से उनकी दूरी ऑर्डर अकॉर्डिंग है मरकरी, वीनस अर्थ मार्क्स जुपिटर, सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। अब जो है एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्राम द सन इज़ आप देखिए आप ये एक ट्रिक है प्लानट्स के नाम याद रखने के लिए आप देखिए एम से मरकरी वी से वीनस ई से अर्थ जे से जुपीटर एस से सटर्न यू से यूरनस एंड एन से नैपचून अब हम लोग इस ट्रिक को फिर से एक बार रिपीट करते हैं एम से एम से मरकरी वी से वीनस ई e से अर्थ एम से मार्स जे से जुपिटर, एस से सैटर्न यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून माई वेरी इफ़िशेंट मदर जस्ट सर्व एस अब देखिए आगे बढ़ते हैं all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path these paths are elongated they are called orbits mercury is nearest to the sun it takes only about 88 days to complete one round along its orbit venus is considered as earth's twins because its अर्थ अब आप देखिए सिस्टम के चारों तरफ फ़िक्स्ड पाथ यानी पर चक्कर सोलर सिस्टम के सारे एट प्लैनेट्स सन के चारों तरफ फ़िक्स्ड पाथ यानी कि तय रास्ते पर चक्कर काटती है सब ऑर्बिट्स कहलाते हैं ये सब जो है ऑर्बिट्स कहलाते हैं अब मरकड़ी सन के सबसे पास है वह 88 डेज लेता है अपने ऑर्बिट्स पर चक्कर काटने के लिए वीनस को अर्थस ट्विन्स कहा जाता है क्योंकि यह अर्थ्स के साइज़ और शेप में बिल्कुल सिमिलर होता है टिल रिसेंटली अगस्त 2006, थाउजेंड सिक्स प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लानट हा एवर इन्हें Meeting of the International Astronomical Union A decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003, UB 313, discovered in recent past, may be called dropped planets. अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट्स का दर्जा दिया जाता था लेकिन जब अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मीटिंग में एक डिसीज़न लिया गया था वह डिसीज़न यह था कि प्लूटो जैसे दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे सीरस 2003 यूबी 313 आ, जैसे प्लैनेट्स जिसे कुछ समय पहले ही डिस्कवर्ड किया गया है उन प्लैनेट्स को ड्रॉप्ड प्लैनेट या ग्रह का दर्जा दिया गया है अब हम अर्थ के बारे में द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में जिसमें हम रहते हैं द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स दैट इज वाई इट्स शेप्स इज डिस्क्राइब्ड एज ए जइड जइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप अर्थ तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के आकार में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है वह पोल से चपटा है इस कारण इसका सेप्स ज्वाइट की तरह है ज्वाइट का मतलब होता है अर्थ लाइक -like सेप यानी अर्थ जैसा आकार कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोहैबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ द अर्थ इज नाइदर टू हॉट not too cold it has water and air which are very essential for our survival the air has life supporting gases like oxygen because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system life life support life सपोर्ट करने की कंडीशन सिर्फ अर्थ पर पाया जाता है अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है अर्थ में एयर और वाटर है जो हमारे सर्वाइवल के बहुत सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है अर्थ पर जो हवा है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जैसे ऑक्सीजन इन कारण के इन कारणों से अर्थ एक यूनिक प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में From the other space, the Earth appeared blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अगर बाहर से अर्थ को देखा जाए तो वह ब्लू लगेगा क्योंकि टू थर्ड यानी दो तिहाई हिस्सा यानी पानी से ढका हुआ है इसी कारण इसे ब्लू प्लानिट यानी ग्रह कहा जाता है अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में द मून आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ इट एपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज इट इज अबाउट तीन लाख चौरासी थ्री लैक्स एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम अस नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून हमारे धरती का एक ही उपग्रह है चांद यानी कि मून मून का डायमीटर यानी व्यास धरती का एक चौथाई के बराबर होता है यह हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे सबसे नियरेस्ट सिलेस्टियल बॉडीज़ है यह तीन लाख चौरासी हज़ार चार सौ किलोमीटर धरती से दूर है अब आप सन से धरती की दूरी और मून से धरती की दूरी की तुलना कर सकते हैं द मून मूफ्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन स्पिन एज ए रिज़ल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ मून अर्थ का चक्कर सत्ताईस दिन में पूरा करता है यह एक चक्कर काटने में उतना ही समय लेता है जितना अर्थ लेती है रिजल्ट के तौर पर मून का एक साइड ही विजिबल रहेगा हमारे लिए धरती से the moon does not have conditions favorable for life it has mountain plants and uh, depressions on its on its surface these cast shadows on the moon's surface look at the full moon and observe this shadow moon's may condition sahi life rahne ke liye. Is mountains प्लस और गड्ढे हैं उसके सरफेस पर ये काश सैडो मून्स के सरफेस पर हैं फुल मून को देखिए और सैडो को ऑब्जर्व कीजिए अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में एस्ट्रॉइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लानट एंड सैटेलाइट्स देर आर न्यूम्रियस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर फिगर वन पॉइंट टू साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ ए प्लानट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक स्टार्स प्लान और सैटेलाइट के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज हैं जो सन का चक्कर काटता है वो एस्ट्रॉइड यानी उल्का पिंड कहलाते हैं वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं जैसा कि हम फिगर 1.2 में देख सकते हैं साइंटिस्ट यह मानते हैं कि बहुत समय पहले एक प्लेनेट फट गया था जिसमें जिससे एस्ट्रॉइड बने हैं अब आप देखिए फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं इन सारे को देखिए ये जो फिगर है 1.2 इसमें आप देख रहे हैं कि ये सन है और इसके बाद इसमें आप ये देख रहे हैं ये आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है इससे पहले जो है आप देख सकते हैं ये मरकरी है वीनस है अर्थ मार्स ये सारे हैं उसके बाद आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बाद आप जुपिटर को देख सकते हैं फिर देखिए आप उसके बाद आप सैटर्न को देखिए उसके बाद यूरेनस है उसके बाद नेपच्यून है इस तरह से सारे ग्रह जो हैं आप देख सकते हैं इन सारे को चलिए अब हम पढ़ते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में मेट्रॉइड्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू Drop upon it during this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes, a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. अब जो मेट्रोइड्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो देखिए पत्थरों के छोटे टुकड़े जो सन के चारों ओर घूमती है उन्हें मेट्रोइड्स कहते हैं कभी ये तो अर्थ के पास भी आ जाते हैं और कभी कभी तो झुक के उसके ऊपर गिर जाते हैं इस प्रोसेस में हवा में फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाता है और जल जाता है ये रोशनी की चमक फैलाता है कभी कभी एक मेट्रॉइड्स यानी उल्का बिना पूरी तरह जले धरती पर गिर जाता है और गड्ढा का निर्माण कर देता है डू यू सी ए विट इज ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ एक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टैरी नाइट इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी फिगर वन पॉइंट सिक्स आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी इन एंशियंट इंडिया इट वॉज़ आई आई मेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई दस इट वॉज़ नेम्ड आकाश गंगा ए गैलेक्सी इज ए हक सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस there are millions of such galaxies that make the universe. it is difficult to imagine how big the universe is. scientists are still trying to find out more and more about it. we are not certain about its size and about its size, but we know that all of us, you and i, belong to this universe. Kya क्या आपने कभी सफ़ेद मोटा बैंड जैसे कि सफ़ेद चमकता रास्ता नाइट के साफ आसमान में देखा है वह मिलियन स्टार्स का एक ग्रुप है इस बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी का नाम दिया गया है जैसा कि हम फिगर वन पॉइंट सिक्स में देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का एक पार्ट है एंशियंट इंडिया में लोग सोचते थे कि एक रोशनी की नदी आकाश में बह रही है इस कारण उन्होंने इसका नाम आकाशगंगा रख दिया एक गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का धूल के बादल और गैसेस का मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर मिलाकर यूनिवर्स बनता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है यह बताना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है साइंटिस्ट अभी भी खोज रहे हैं कि इसी इसी बारे में हमें अभी भी इसके साइज़ के बारे में नहीं पता चल पाया है लेकिन हम यह जानते हैं कि आप और मैं इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए वन पॉइंट सिक्स में आप देख सकते हैं ये मिल्की वेज़ को कितना बड़ा है और किस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें ये साड़े किस तरह से इतना बड़ा सा ये तो आप बच्चों अब आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के अच्छा लगा होगा क्योंकि आपने पहली बार ज्योग्राफी पढ़ी है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आप वहाँ से लिंक निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं और बच्चों अगर अच्छा लगा आज आपको इसका पढ़ा मेरा पढ़ाना तो आप इसे लाइक कीजिए एन सी आर डी द माइंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बच्चों और, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो